हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर और सब्जेक्ट हमारा क्या है? इन्वायरमेंट। ओके, और चैप्टर हमारा 5 है। चैप्टर हमारा कौन सा है? 5 है। तो हमारा जो चैप्टर 5 है वो हमारा आधा कंप्लीट हो चुका था और आधे से बाकी था। तो चलिए आज हम देखते हैं आधे से। मधुमक्खी पालन हम पढ़ लिए थे ना, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था मधुमक्खी पालन। ये वाली भी कंप्लीट हो गई थी, आज हमें यहाँ से देखना है। ओके, आज हमें यहाँ से देखना है। तो क्या लिखा हुआ है? सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि मुझे दो बक्से और खरीदने पड़े। मैं अभी भी मधुमक्खियों के बारे में सीख रही थी। कई बार मधुमक्खियाँ ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था पर कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी मर्जी से शुरू किया था। अब यहाँ पर जो अनीता जो है वो दिसंबर के महीने था, जो कि सितंबर का महीना था और दिसंबर तक अनीता के पास जो थे ना वो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई थी। ओके, अनीता के पास दिसंबर तक बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई थी। अब बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई तो अब अनीता को दो बॉक्स और ख़रीदने पड़े क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। ओके, उनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई जिसके कारण अनीता को क्या हुई कि दो बॉक्स और एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा। मैं अभी भी मधुमक्खियों के बारे में सीख रही थी। अनीता क्या बोलती है कि मैं अभी भी जो हूँ ना वो मधुमक्खियों के बारे में सीख रही थी। ओके, कई बार मुझे मधुमक्खियों ने काटा भी। मेरे हाथ भी सूज गए और मेरे फेस भी सूज गए, फेस यानी चेहरा। दर्द भी बहुत हुआ, लेकिन मैं किससे कहती, क्योंकि ये डिसीज़न तो मैंने खुद ही लिया था ना। ये जो फैसला जो मैंने लिया था मधुमक्खी को पालने का, ये तो मैंने खुद ही लिया था। मुझे किसी ने तो फोर्स नहीं किया ना कि हाँ अनीता तुम ये काम करो मधुमक्खियों को पालो। अगर उसके घर वाले बोलते अगर उसके मॉम डैड बोलते तो शायद अनीता ये बोल सकती थी कि हाँ मम्मा देखो मुझे मधुमक्खियों ने काटा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, शायद मैं ये काम ना करूँ या फिर करूँ। कुछ भी डिसीज़न उसे अगर लेना रहता तो वो किसी को बोल सकती थी। लेकिन यहाँ पर अनीता ने मधुमक्खी पालने का डिसीज़न, फैसला खुद ही लिया, खुद अपनी मर्जी से लिया, ना कि अनीता को किसी ने फोर्स किया कि हाँ तुम मधुमक्खियों को पालो। ओके, अब यहाँ पर पता कीजिए, मधुमक्खी के काटने पर लोग क्या करते हैं। तो मैंने जहाँ तक किया है, क्योंकि मुझे भी एक बार ना मधुमक्खी शायद काटी थी, तो मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक किया है, वहाँ लोहा शायद आती है ना, शायद वो मधुमक्खियों के काटने से शायद बॉडी में क्या उसको लगड़ते, या फिर ठंडी ठंडी पानी या फिर कुछ बर्फ ऐसे कुछ ना रखा जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मधुमक्खियों के काटने से कई लोग नए नए तरीके भी अपनाते, खास करके तो गांव के लोग के पास बहुत नॉलेज होती है कि इसमें कैसे करना चाहिए। अगर कोई जीव जंतु काटे, कोई पक्षी काटे, तो उनको बहुत जल्दी आइडियाज आता है। ओके, अब यहाँ पर अपनी कॉपी में मधुमक्खी का चित्र बनाकर रंग भरी एवं अपना मनपसंद नाम दीजिए। अब आपको क्या करना है कि अपने नोटबुक में मधुमक्खी का ड्राइंग बनाना है और उसमें आपको रंग भरना है, और रंग तो भरना ही है प्लस आपको उसको खुद से नाम देना है। जैसे कि मैंने दे दिया पीटू, मैंने क्या दे दिया पीटू।
तो ये मैंने खुद से मधुमक्खी को नाम दिया है, यानी मधुमक्खी का मैंने नामकरण कर दिया, ओके, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए आप नीचे, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। अब यहाँ पर अनीता बोलती है कि जो लीची के जो फूल होते हैं ना, वो फरवरी, कब? फरवरी महीने में खिलते हैं, और मैंने अपना जो बॉक्स था उसे मैंने कहाँ रख दिया, लीची के बगीचे में जाकर रख दिया। मुझे हर बक्से से 12 किलोमीटर शहद मिला, मुझे हर बक्से से कितना किलोमीटर मिला, 12 किलोमीटर शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। किसने बेचा अनीता ने बेचा। अब यहाँ पर मधुमक्खी पालन में यह मेरी पहली कमाई थी। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अब मेरे पास कितने बक्से हैं, तो 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी होगी? अनीता के कुल बक्सों की कीमत कितनी होगी? तो अनीता जितने बक्से बेचती हैं, जैसे अनीता ने यहाँ पर भी बक्से लिया था, ओके, अक्टूबर दिसंबर के समय मधुमक्खियों का अंडे देने का था, पालने में सबसे अच्छा यही तरीका था, तो यहाँ पे भी ना उसने कितने 500 उसके पास 5000 थे, तो अनीता ने क्या बक्से लिए थे, ओके ना, अनीता ने क्या लिए थे, मधुमक्खी पालने के लिए बक्से लिए थे। यहाँ पे मधुमक्खी पालन जिससे वृक्ष बना, ये मधुमक्खियों का शायद उसकी, यहाँ पर ही मधुमक्खी का जीवन। हाँ देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 4000 रुपये इकट्ठा किए, इन रुपयों में से मधुमक्खियों के पालने के लिए 2 बॉक्स खरीदे, एक बॉक्स की कीमत 2000 रुपये थी, तो एक बॉक्स की कीमत कितनी थी, 2000 रुपये थी। तो अब अनीता के 20 बक्से की कुल कीमत कितनी होगी, एक बक्से की तो कीमत हमारी 2000 रुपये थी, अब यहाँ पर आता है 20000 की बात, ओके, तो सॉरी, अब यहाँ पर आता है 20 बक्से की बात, तो 20 बक्से की अगर बात आती है तो कीमत हमारा कितना होगा, अब बताओ कीमत हमारा कितना होगा, तो 2000 थी, तो अगर हम 2000 को अगर 20 से अगर इनटू करेंगे तो हमारी कीमत तो निकल ही जाएगी, हमारी कीमत क्या होगी, निकल जाएगी, आई थिंक समथिंग 44,000 रुपीस उसके कुल बक्से की कीमत होती है, उसके कुल बक्से की क्या होती है, कीमत होती है, ओके, कुल बक्से की कीमत होती है उसकी, बयालीस हज़ार रुपये उसकी कीमत होती है। तो अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत, तो अनीता को एक बक्सा जब 2000 में पड़ रहा है, तो 20 बक्सा तो उसको 42,000 में पड़ेगा, है ना, कितने में पड़ेगा, 42,000 में पड़ेगा उसको। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए, मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। अब यहाँ पर अनीता बोली कि मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज गांव से 4 किलोमीटर दूर शहर में है। अब तो आप भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब तो आप ही अनीता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ओके, तो आज हम यहाँ ये वाले चैप्टर यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ओके।